वाईएनटी न्यूज, आप देख रहे हैं वाईएनटी नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। मुंबई से सटे काशी मीरा के हाईटेक परिसर में मौजूद हाई प्रोफाइल सोसाइटी जेपी इंफ्रा में रहने वाले नागरिकों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर ने 2 साल की मेंटेनेंस के लिए कहा था, लेकिन अब वो और पैसे मांग रहा है और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और उनको पानी का कनेक्शन काट के मूलभूत सुविधाओं से वंचित करके लगातार परेशान कर रहा है। ते हैं सोसाइटी में रहने वाले रहनवासी किंजल और अंकुश सिंह ने क्या कहा। हम लोगों ने 24 मंथ्स का मेंटेनेंस एडवांस में पे कर दिया था, अब आज आफ्टर 1.5 ईयर दे बोल रहे हैं कि देव एग्जॉस्टेड, हमारा जो 2 महीने का मेंटेनेंस था वो खत्म हो चुका है, 2 साल का सॉरी, और बोल रहे हैं कि अब एडवांस मेंटेनेंस वापस भरिए, विच इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, जो हमें कमिट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब जब हमने मना कर दिया क्योंकि हमने 2 साल का ऑलरेडी एडवांस पे कर चुके, तो दे आर हरेसिंग अस अलग 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 तरीके से। नाउ दे आर स्टॉपिंग वाटर, दे हैव रिमूव्ड पुअर पीपल, पुअर हाउस कीपिंग एंड सिक्योरिटी गाइज इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग। तो ये इशू हमें, मतलब हमें बहुत बुरी तरह हैरेस कर रहा है ये बिल्डर जेपी। मेरा नाम अंकुश सिंह है, मैंने 2015 में ये फ्लैट बुक किया गया था, उस समय से हमको ये वादा किया गया है कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगी, हम उसमें तरह तरह के प्राविधान करेंगे, आपको सोलर मिलेगा, आपको किसी तरह का खर्चा नहीं होगा। वही सब सोच के हमने हमारा पैसा यहाँ डाला, दुनिया जहान से सबसे ज़्यादा प्रीमियम में ये फ्लैट लिया, और आज आने के जब हमारा फ्लैट लेने की बारी आई तब बिल्डर ने हमसे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पानी के नाम पे मांगा कि हम आपके लिए 80,000 रुपये मांगा पानी के नाम पे कि हम आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपको 24 घंटे पानी आएगा। एसटीपी का प्लांट लगाया, उसका पानी आज की डेट में गटर जैसा महकता है, गटर से भी गंदा पानी है, वो हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है। 1,000 रुपये का टैंकर 3,000 में आ रहा है, ऊपर से हमसे और पैसे मांगे जा रहे हैं। जब हम उनसे हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब देने की बजाय हमारी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। कभी वो हमारे जो कचरा उठाने आते हैं उनको कम कर देते हैं, कभी गार्ड को कम कर देते हैं। आज जब हम उनसे जवाब पूछने यहाँ पे आए, पहली बात जेपी की तरफ से ना तो कोई हमसे मिलने आया बड़ा अधिकारी, और ऊपर से हमको धमकी दी जा रही है कि हम पुलिस को बुलाएंगे और आप लोगों के ऊपर केस करेंगे कि आप लोग कोरोना काल में यहाँ आएँ। पहली बात, किसी को शौक नहीं है यहाँ पर कोरोना काल में अपने घर से बाहर कदम रखने का। इन लोगों ने हमारे घर का पानी काटा है, जिसकी वजह से हम गुहार लगाने यहाँ पे आए हैं, हम हिसाब मांगने आए हैं, और हमें कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप लोग ने सुना, जो मेंटेनेंस हम लोग ने ऑलरेडी पे किया हुआ है, जो एक टैंकर हार्डली 1,000-1,200 का जो एक टैंकर आता है, दे आर चार्जिंग 3,000 रुपीज़ पर टैंकर, जिसका कॉस्ट खाली 1,000-1,200 रुपया है। वाई वी शुड पे 3,000 रुपीज़? हमारा पैसा उन लोग ने वेस्ट कर दिया है। दे आर डूइंग चोरी ऑफ द बोरवेल वाटर, वहाँ पे निकाल के रखा है कंस्ट्रक्शन साइट में, हम लोग का पानी यूज़ करके हम लोग को ही चार्ज कर रहे हैं। एंड व्हेन वी सेड के हम लोग नहीं भरेंगे मेंटेनेंस, दे आर हैरेसिंग एच के सर्विस निकाल दिया, सिक्योरिटी सर्विस निकाल दिया, आज पानी बंद कर दिया है, क्यों इतना हैरेसमेंट? जब सोसाइटी में हम लोग गए थे तभी उन्होंने बोला कि हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये है हम लोग जो कट ऑफ है वो करेंगे ही, हम लोग इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसके लिए हम सब लोग उतरे हैं आज प्रोटेस्ट करने के लिए, ये बिल्डर को हम ये काम करने नहीं देंगे, एंड दिस इज़ वॉट वेरी रिडिकुलस, एंड वी वॉन्ट कि ये पानी बंद नहीं होए और हम लोग को ये सारे ब्रेकअप्स दे, जो वो लोग दे ही नहीं। स्थानीय नगर सेविका अनीता मुखर्जी और नगर सेवक संजय थराड़े ने सोसाइटी के नागरिकों की बात सुनी और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करके पूरी तरह से मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया।